एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा सारा काम हो गया है, ये अपने काम पे भी चले गए हैं और मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे थोड़ा काम है मार्केट का, क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। कुछ मैं सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं इनके लिए, क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ मार्केट में। हो सका तो मैं रिकॉर्ड करूंगी, नहीं तो फिर देखिए क्या करती हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ केक शॉप पे। ये जो है मॉनग्रीन्स का केक शॉप है, मैं केक यहीं से लेकर जाती हूँ क्योंकि यहाँ जो है प्योर भेज केक मिलता है, इसलिए मैं यहीं से लेती हूँ। और यहाँ पे वैरायटी भी बहुत ही सारी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे केक है। और मैं केक क्यों ले रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी घर पर, और केक कौन सा मैंने लिया है वो मैं आप लोगों को रात में दिखाऊँगी। तो ये देखिए केक जो है आ गया है, अब हम लोग लेकर चलते हैं केक को। और यहाँ पे ये देखिए बहुत ही सुंदर से डेकोर किया हुआ है, तो मैंने जो है शूट कर लिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं घर पे। दोस्तों, मैं आ गई हूँ घर वापस और मैंने केक जो है फ्रिज में रख दिया है। और आप देख सकते हैं पसीना, काफ़ी गर्मी हो गई है और मैंने फ़ैन जो है ऑन रखा है, अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और केक मैं क्यों लेकर आई हूँ वो भी मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ। तो एक्चुअली आज ना इनका बर्थडे है, लेकिन ये सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, इनका मन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है इनको सरप्राइज़ दे दूँ, इसलिए मैं केक लेकर आ गई हूँ। और ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, रात में देखती हूँ कुछ बना दूँगी। कुछ क्या, मैं सोच रही हूँ खीर और दलपूड़ी ही बना दूँ क्योंकि अदरा नक्षत्र जो है आज लास्ट है, कल से ख़त्म हो जाएगा, तो आज लास्ट है। तो मैं सोच रही हूँ मैं वही बना देती हूँ, और इनको खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं खीर और दलपूड़ी ही बनाऊँगी और सब्जी बना दूँगी, बस यही करूँगी। और देखिए और क्या क्या करती हूँ वो आप लोग आगे देखिएगा। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा वीडियो रखा हुआ है, तो पहले तो वही जाएगा, ये ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने, काफ़ी गर्मी जो है हो रखी है, आप देख सकते हैं काफ़ी पसीना से भीग गई हूँ मैं। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने, तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ शाम में। तो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5, और यहाँ पे जो है मैं खीर बना रही हूँ और मैं दाल भी उबाल कर रख दूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे टहलने, तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ छत पे। दोस्तों, मैं आ गई हूँ नीचे और मैंने जो है दिया भी दिखा लिया और चाय मैंने पी लिया है। अब जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खीर। मैंने खीर जो है बना लिया था छत पे जाने से पहले, आप लोगों ने देखा। और अब जो है मैं दाल फ्राई करूँगी। इनके आने से पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं जो है खाना बना दूँ, तो मैं फटाफट से जो है खाना बना लेती हूँ। तो आप लोग देखिए मैंने क्या क्या किया है, मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों, यहाँ पर खीर जो है रेडी हो गया है और मैंने ना दाल भी उबाल के रख लिया है, ये देखिए, और अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है गैस पे रख दिया है, मैं इसमें डाल देती हूँ तेल। तो दोस्तों, तेल गर्म हो गया, तो इसमें मैंने डाला है जीरा, अजवाइन और कलौंजी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला और इसे मैं थोड़ी देर मतलब मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी दाल। मैं इसमें डाल देती हूँ दाल। तो दोस्तों, दाल मैंने फ्राई कर लिया है, ये देखिए, और अब मैं जो है गेट लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे टेबल को ये कर देती हूँ, डेकोरेट कर देती हूँ। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये बोले हैं आधे घंटे में आने के लिए, तो मैं फटाफट से जो है तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने टेबल क्लॉथ डाल दिया है और देखती हूँ थोड़ा बहुत मैं इसे डेकोर कर देती हूँ। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल सा ही मैंने सेलिब्रेशन रखा है। और अब जो है मैं इनके लिए कपड़ा निकाल देती हूँ।
तो देखिए मैंने इनके लिए ड्रेस जो है निकाल दिया है, टी शर्ट है और ये ग्रीन मैंने निकाला है क्योंकि सावन है तो ग्रीन ग्रीन अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने निकाल दिया है। तो इसे मैं रख देती हूँ, जब ये आएंगे तो रेडी हो जाएंगे। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा टेबल को डेकोर कर देती हूँ। तो दोस्तों बर्थडे है तो मैं इनके लिए तो कुछ लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ बस केक लाई हूँ। और मैंने ना अमेजोन से मोबाइल ऑर्डर किया है, ये इनके लिए नहीं है, माँ के लिए है, लेकिन ये देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। काफ़ी दिन से बोल रहे थे ऑर्डर करने के लिए, मैंने बोला अच्छा ऑर्डर कर दूँगी, तो ये आज देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। कल ही आया है लेकिन मैंने इन्हें नहीं दिखाया है, ये काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो मैं ना इसे यहीं पर रख देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बस सिंपल सा इस तरह से डेकोर कर दिया है टेबल को और ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जब ये आएंगे तब केक कटिंग होगा, अभी आएंगे तो मैं इनका एक्सप्रेशन भी है जो रिकॉर्ड करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ आटा लगाने, तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये आ गए हैं दोस्तों, मैं जा रही थी रेडी होने और ये आ गए हैं। मैंने ड्रेस जो है चेंज कर लिया है, मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और इन्हें मैं जो है ये कपड़ा दे देती हूँ बदलने के लिए। अभी ये नहाएंगे क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही पसीना पसीना हो गई हूँ। तो इन्हें मैं दे देती हूँ, ये बदल लेंगे। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी और ये गए हैं नहाने, और काफ़ी गर्मी हो रही थी तो मैंने फ़ैन जो है ऑन रखा है। अभी मैं जा रही हूँ किचन में और मैं जो है फटाफट से जो है दलपूड़ी का जो तैयारी है वो कर लेती हूँ। इनको अभी नहीं पता है कि मैं क्या बना रही हूँ, ये तो सब्ज़ी में लेकर आया है भिंडी, पर मैं वो नहीं बनाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ दलपूड़ी की तैयारी करने। तो दोस्तों केक को मैंने जो है फ्रिज से निकाल दिया है, अब इस कार्टून से मैं निकाल देती हूँ और मैं यहाँ पे इसे रख देती हूँ। ये अभी कपड़ा बदल रहे हैं, जब तक ये कपड़ा बदलेंगे तब तक मैं जो है केक को टेबल पे रख दूँगी। और हाँ, इनका कैमरे के सामने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खुश है, इन्हें बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, ये इतने खुश हुए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा बहुत कैमरे के सामने आया है लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या बोलते हैं फेक है इस टाइप का लग रहा है, बट इनका ऐसा ही होता ही है रिएक्शन, ज़्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खुश है, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये खुश हैं तो। और ये केक आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कौन सा केक है अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ सेलिब्रेशन में। चलिए केक कटिंग।
दोस्तों अब मैं बना लेती हूँ जो मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को भोग लगाने, पहले उनको भोग लगा देती हूँ उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे। तो दोस्तों खाना जो है रेडी हो गया है, ये देखिए, और मैं इन्हें खाना दे देती हूँ और इनका एक्सप्रेशन देखते हैं खाने का। आइए, खाना रखा हुआ है, ये अभी कपड़ा चेंज कर रहे हैं इसलिए आने में लेट हो रहा है, जो पहने थे वो चेंज कर लिए हैं ये। अरे वाओ, दैट्स गुड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू टू। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके इनको ब्लेस दीजिएगा। और ये ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, ये थोड़ा सा कैमरा के सामने नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, और मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।